बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम फजल से खुश होंगे। तो आज एक मैं नई वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हूँ। आज हम सीखेंगे कि ये जो हाथ में मेरी डिवाइस पकड़ी हुई है, इसके अंदर आज हम सॉफ्टवेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इसका अपग्रेड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो PTCL वालों का होगा। इसके अंदर सॉफ्टवेयर चेक करेंगे, PTCL वालों का है या टेंडर वालों का है। तो इसके अंदर आपके पास अगर घर में डिवाइस पड़ी हुई है तो इसके अंदर होगा PTCL वालों का सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो PTCL वालों का सॉफ्टवेयर होगा। तो आपने PTCL टेंडा वालों का सॉफ्टवेयर करना है, यानी टेंडा का सॉफ्टवेयर, टेंडा की डिवाइसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपने इसके अंदर करना है। अब इसके अंदर करने का फ़ायदा क्या है, मेरी बात एक सुन लें। तो इसके अंदर आप जब करेंगे तो इसमें क्वालिटी, कैपेसिटी और कनेक्टिविटी तीनों चीज़ें जो है ना आपकी, वो बेहतर हो जाएंगी। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर PTCL का सॉफ्टवेयर करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपके पास फाइल का लिंक हो तो आप एक सेकंड के अंदर इसको जो है ना PTCL के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर कैसे करना। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको रीसेट कर लेना है। ठीक है, रीसेट का आपको अब जनाब बटन का पता ही होता है कि रीसेट का बटन कहां पर होता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है रीसेट का बटन। ठीक है, ये किसी कील ले लें और कुछ चीज़ ले लें, उसके साथ ना ये बटन लगा हुआ बटन। ठीक है, इसके अंदर जो है ना इसको दबा कर इसको रीसेट कर लें। ये RST लिखा हुआ है यहाँ पर, रीसेट इसको कर लें। ठीक है दोस्तों, इसको रीसेट करने के बाद आपको चाहिए एक लैन केबल। आपने इसको वाईफाई के थ्रू अपडेट नहीं करना, आपको चाहिए एक लैन केबल, ये जो मेरे पास पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसकी लैन के अंदर तार लगा लेनी है। तो मैं इसकी किसी भी पोर्ट के अंदर तार लगा लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं जनाब, मैं इसके अंदर तार लगा ली, लगा ली, वाकई लगा ली। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर तार लगा ली। लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर के अंदर तार लगा लेता हूँ। पहली वाली हमारी इंटरनेट की तार आ रही है तो उसे हम निकाल देते हैं। तो ये मैंने पहली वाली तार जो है वो निकाल दी है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो लैन की तार लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने तार लगा दी। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं यार, ये लैन नंबर 4 है ना, यानी हमारी कंप्यूटर के अंदर तार लग गई है और लैन इसकी उठा ली है। तो अब देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सारा काम करेंगे। ये काम करके जैसे मैंने किया, आप रख लें और अपने मॉडेम को ऑन कर लें और हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सब ने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना IP लगाना है। मैंने आपको कहा था कि अपना मॉडेम को रीस्टार्ट कर लें और रीसेट कर लें। रीसेट करने के बाद जो है ना अपना IP यहाँ पर इंटर करें। इस मॉडेम का IP जो है ना वो 10.1 होगा बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो 10.1 लिखना है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, आप इसी तरह ये काम करें। करने के बाद आपने पासवर्ड लगाना है एडमिन, नीचे भी आपने लगाना है एडमिन। लगाने के बाद आपने साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है, आपका PTCL का मॉडम जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जनाब, जो मैंने अभी आपको डिवाइस पहले दिखाई है ना, इसी डिवाइस के अंदर ही ये सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, ना कि PTCL के डी लिंक के मॉडम के अंदर। ये लॉगिन पेज होता है ना, ये सभी का एक ही होता है लॉगिन पेज। आपने ये नहीं करना कि PTCL का डी लिंक का मॉडम उठा के उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू करना कर देना है, क्योंकि ये PTCL टेंडा वालों की डिवाइस है तो उसके अंदर टाटा का सॉफ्टवेयर हो जाता है। अदर डिवाइस के अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, PTCL टेंडा पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अपडेट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। फिर आपने चूज़ फाइल करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने फ़ाइल चूज़ करनी है। अब आपको फ़ाइल कहाँ से मिलेगी, ये देखें जनाब, मज़े की बात यह है कि आपको कहीं भी यूट्यूब पर
या गूगल पर, ये आपको पुरानी वाली फ़ाइल यानी जो इसकी ओरिजिनल फ़ाइल होती है वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। इंशाल्लाह अगली मैं वीडियो के अंदर वो आपको सिखाऊंगा कि आपने पिटसेल को टेंडा से ओरिजिनल फर्मवेयर में कैसे अपडेट करना है। तो अभी हम ये जो काम करने जा रहे हैं वो फ़ाइल मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाकर इस फाइल को जो है वो आप इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में पहुँच जाएंगे। क्लिक नहीं करना तो मेरी तरह कॉपी और पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पेज पर आने के बाद जो है आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो अभी मेरे पास तो इंटरनेट नहीं लगा हुआ, तो आप इस पर डाउनलोड करके क्लिक कर लेना तो आपकी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। फाइल जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो कुछ इस तरह से ज़िप होकर आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने एक्सट्रैक्ट फाइल इस पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लिक ओके पर क्लिक कर देना है, येस टू करना है, येस टू ऑल कर लें, येस कर दें। क्लिक करने की जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फाइल जो है अनजिप होकर आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ लग गई होगी। अच्छा, अनजिप होकर ये इस बात को समझ आ जाएगी, सॉरी इस शक्ल के अंदर आपको मिलेगी अनजिप होकर। तो आपने क्या करना है, आपने फिर अपनी डिवाइस के अंदर चले जाना है, फिर अपने चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना है। जिन्हें फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद अपने मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, फिर अपने अपडेट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल पर आपने वही फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड की है। तो ये देखें DSL के नाम से, सॉरी USD301 के नाम से है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके फिर आपने इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर फाइल ऐड करनी है, फिर आपने अपडेट के सॉफ्टवेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ही वेट करें, आपका अपडेट जो आपका जो है ना DSL वो राउटर आपका अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है। मैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा आज आपको पिटसेल टेंडा का सॉफ्टवेयर करना सिखा दें। अभी अभी इंशाल्लाह आगे सर्वर चल रहे हैं, तो अभी बहुत काम बाकी है हमारा, पूरे नेट का काम ही अभी सारा बाकी है। मेन सर्वर की वीडियो तो हमारी अभी शुरू नहीं हुई। तो ये देखें, अभी हमारा DSL राउटर जो है वो अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ही देर वेट की है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी के साथ बड़ी आपकी नवाजिश होगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ घंटी का आइकॉन होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा जो राउटर है वो अपग्रेड हो रहा है। तो मेरी बात एक याद रख लें कि जब आपका राउटर अपग्रेड हो रहा हो तो आपने अपने राउटर को बंद नहीं करना, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ। जैसे ही मैं ये काम कर रहा हूँ, आप उसी तरीके के साथ जो है ना वो बिना कोई काम किए या पेज को डिलीट किए कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने यहाँ पर तकरीबन 100% तक जब तक हो नहीं जाती है आपने यहाँ पर वेट करना है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट तक सिर्फ आपको वेट करना पड़ता है, बाद में जो आपकी डिवाइस है वो रीबूट होकर आपके जो है ना टेंडा के सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कुछ देर वेट करें, हमारी जो डिवाइस है वो टेंडा के सॉफ्टवेयर में पहुँच रही है। तो जनाब, ये काम करना तो बच्चों का काम है, बहुत ही इजी काम है। हर बंदा जो घर बैठे ये अपना काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हर बंदा जो है वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखें 84% हो चुकी है हमारी फ़ाइल, तो यहाँ पर कुछ ही देर वेट कीजिएगा। 7 MB की ये फ़ाइल थी, 7 MB की फ़ाइल अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर अपलोड हो जाएगी, हमारे जो डिवाइस है उसके अंदर। तो अभी जो है ना इसका, अब जब ये जब अपलोड हो जाएगी ना तो ये 1.1 से खुलेगा इसका IP ना, तो मैं आपको वो भी चेक करवाऊंगा कि 1.1 से कैसे खुलता है इसका IP। तो 1.1 से इसका IP जो है ना वो ओपन होना है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जब रिफ्रेश करेंगे तो ये तकरीबन 1.1 से इसका IP जो है ना, इसका ये 10.1 से अब नहीं खुलेगा इसका IP। आपने यहाँ पर लगाना है 1.1, ठीक है, 1.1 ये लिखेंगे। ये टेंडो वालों का जो है ना IP होता है, ये देख लें, ये आपके सामने 1.1 मैंने लगाया। अब यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है, एडमिन यूज़र नेम लगा लें और नीचे भी एडमिन पासवर्ड लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको करना है लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, यहाँ पर मैंने जनाब पासवर्ड इसका चेंज किया हुआ है, तो मैं जो पासवर्ड चेंज किया है वो मैं इसका लगाता हूँ।
तो आपने यहाँ पर एडमिन एडमिन पासवर्ड लगाकर इसको ओपन करना है। यहाँ पर तो ये देखें, मैंने एडमिन एडमिन पासवर्ड लगाया तो हमारा राउटर जो है ये ओपन हो चुका है। ये देख लें, हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल, यानी कि बिना किसी टेंशन के हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी डिवाइस के अंदर मुकम्मल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आपके सामने टेंडर का सॉफ्टवेयर आ चुका है। ये आप कर लें, इससे आपका काफ़ी जो है ना वो बेहतर हो जाएगा काम। आप इस जो है ना सॉफ्टवेयर को करके आप इंजॉय करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।